पार्टियों में फंसाओ और राजनीति करो। जो कह रहे हैं ना कि महिला पहलवान राजनीति कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है इन्होंने, गाल मत बकिए, इन्हें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान लिए बैठे हैं। राजनीति तो आप कर रहे हैं, एक अपराधी को बचाए बैठे हैं। चाहे जो चूड़ियां लेकर पूरे टाइम शादी में घूमती रहती थी ना स्मृति रानी, उसको भी खुली चेतावनी है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराए और न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाए। आप सरकार में है इस समय, जय हिंद, जय भारत। मैं बहन जी को बोलना बहुत अच्छा था, ज्यादा बोलते, लेकिन समय का ख्याल है, वक्त को समझ नहीं से मिटना पड़ेगा। बस गया तलवार से तो फूल से कटना चलाएंगे। न्यूज है, कोई भी साथी बीच में ना उठे। भाई बैठ जाओ, भाई यहीं पे बैठ जाओ, यार अड़म है तो बैठे यार, लाइट आने भी दे रहे सभी को। मेरा नमस्कार। आज खाप पंचायत सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे समर्थन में आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, जैसे निर्भया केस हुआ था और भारत की पूरी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर आगे आकर समर्थन दिया था, हम सभी भारत की महिलाएं, खास करके जो दिल्ली के आसपास रहती है, दिल्ली में रहती है, उन महिलाओं से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप के अंडर और हमारा जो 7 लड़कियां हैं उनका करवा लो, और जो भी गलत होगा उसको चाहे उसी दिन फांसी दे देना, नार्को टेस्ट करा लो। और रही सबूत की बात, वो हमें जिसको देना था वो दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारा केस लिया था तो उन्होंने ये बोला था कि बहुत है और हमने ये केस ले लिया है, तो जहां हमने सबूत देने थे वहां दे दिए। अब है कि नार्को टेस्ट करा लो, सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टाटा प्रमोटर समेत 5-7 से सपोर्ट कर रहे हैं रेसलिंग को, तो आप लोगों के माध्यम से मैं रतन टाटा जी से अनुरोध करती हूं कि रेसलिंग में जो उन्होंने पैसा दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए, रेसलिंग को कितना आगे लेके जा सकते हैं उसके लिए, तो एक जो भी है वो उनको देखना चाहिए कि क्या खिलाड़ियों तक वो चीज पहुंची है कि नहीं पहुंची है। उनको वो जानकारी रेसलिंग फेडरेशन से लेनी चाहिए कि जो उन्होंने पैसा दिया है खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनके भले के लिए, या ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो जो उन्होंने पैसा दिया है वो सही जगह पे डाइल्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते भाई में बात, और वो बार बार में टूर्नामेंट की बोल रहे कि भाई खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं होने दे रहे, तो हमने तो कभी रोका ही नहीं है, पर जिस पहले के टूर्नामेंट करवा सकते हैं। अभी आईओ ने जो कमेटी बनाई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप सारे टूर्नामेंट करवाइए, हम भी नहीं चाहते। वो बार बार बोल रहा है कि हम खिलाड़ियों को इसलिए नहीं बुला रहे यहाँ पे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पे असर पड़ेगा। जो कमेटी आईओ ने बनाई है वो कमेटी सारे टूर्नामेंट करवाए, हम उनका स्वागत करते हैं कि भाई आप कोई भी, क्योंकि इसमें देश का भी नुकसान हो रहा है, खिलाड़ी बाहर खेलने के लिए जाएंगे, मेडल जीतने हैं, एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, बड़े बड़े टूर्नामेंट है, वो कमेटी करवाए, ना कि जिसपे आरोप लगे हुए हैं वो इसमें टूर्नामेंट करवाए। तो मैं उनसे आईओ की कमेटी से अपील करूंगा, आप जितने भी टूर्नामेंट रुके हुए हैं वो सभी टूर्नामेंट करवाए जाएं।
और दूसरी चीज जो उनके पक्ष में दो तीन हमारे रेसलिंग के कोच बोल रहे हैं जिन पे रेप का केस है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जो खुद वो केस है, अभी उनका एक कोच का तो अभी 30,000 कोर्ट में जो महावीर बिश्नोई प्रसाद है, एक नरेश कुमार है जो बोल रहे हैं, उनपे खुद रेप का केस है, वो अभी जेल से छूट के आए हैं, वो लोग उनका पक्ष लेके बोल रहे कि भाई नेताजी ठीक है, आपके नेताजी आप जैसे ही हैं, जैसे आप जेल से आए हैं ऐसे अब उनको जाने उनकी बारी आई हुई है। तो मैं आपसे वो यही चीज बोलूंगा कि आप सही का साथ दीजिए, ना कि गलत का। ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये सही और गलत की लड़ाई है। अगर आज हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाए तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बड़ा बुरा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सब बोल रहे हैं अब क्यों आवाज उठा रहे हो। प्रिया रहमानी है, उन्होंने 20 साल बाद अपनी आवाज उठाई थी और जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और हमारा जो देश है महाभारत रामायण महिलाओं के सम्मान के लिए लिखी गई थी, तो हमारा हक बनता है कि हम आज उठाएं, कल उठाएं, 10 दिन बाद उठाएं, इतना हमें हक है। और हम एक आजाद देश में रहते हैं, तो हमने अब हमने ठीक समझा तो हमने आवाज उठाई। अभी आज ही एक न्यूज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगे थे तो उनको जेल जाना पड़ा। तो हमारे देश में एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उनको बचाने में सब कुछ लगा हुआ है। हमारे देश में कानून अलग से है क्या? अमीर लोगों के लिए जो ये राजनीति में लोग उनके लिए अलग कानून है क्या? जो एक राष्ट्रपति था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप था, उनको जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया, उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। वो हर तरीके से उनके आईटी सेल खिलाड़ियों को गुलाब बराबर ताने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियां होती तो आप ये सवाल करते? इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है। पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज चैनल है जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते हैं, दबा नहीं सकते। सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी तो जरूर इस चीज में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, वो बोलते हैं भगवान के घर में देर हो सकती है या देर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, हमें टैग कर दीजिए उसको, काली पट्टी को बांध के। टाइम देखिए, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। तो जो भी आज कोर्ट से जो आया है आदेश, तो पुलिस से भी उन्होंने तलब किया है कि आपने क्या किया है, 2 दिन बाद में हियरिंग, तो एक चल रहा है प्रोसेस लीगली जो कर पा रहे हैं। और बस एक न्याय की उम्मीद है, हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे, बस इतना ही कहना चाहूंगी। और जो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है, उसके बीच में आप इस चीज को हमारा समर्थन दे सकते हैं। देखिए, लोग आए हैं लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं, हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं। और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो जो भारत की जो बेटियां हैं,
महिलाएं हैं उनको जिंदगी में कभी न्याय कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल टूर्नामेंट हमने यही अपील की है कि भाई जो कमेटी बनी है वो टूर्नामेंट करवाए, क्योंकि कोई आप ये हम पहले से बोलते हैं कि हम खिलाड़ियों का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम धरने पे ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं बुला रहे। लेकिन ब्रजभूषण की तरफ से कोई लेटर निकलता तो उसका हम विरोध करेंगे, वो अगर नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे उसका विरोध हम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। अगर उसके बावजूद वो उस कंपटीशन को करवा रहे हैं तो इसका मतलब जो खेल के अधिकारी है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है। बजरंग ये बोल रहे हैं, हेलो बजरंग ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पे जो है आपके धरने से बहुत फर्क पड़ रहा है, तो इसके लिए आपका क्या जवाब है इनके लिए? ये बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि भाई स्पोर्ट पे सभी स्पोर्ट पे जो है धरने से बहुत असर पड़ रहा है, जो युवा बच्चे हैं। सरकार बोल रही है, सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही है उस पे? नेगेटिव असर जा रहा है तो उसको सजा, इसमें तो नेगेटिव असर आप ही बोल रहे हैं, नहीं तो पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अपोजिट पार्टी है रूलिंग पार्टी है वो कह रही है। देखिए हम सरकार से अब तो बार बार विनती कर रहे हैं, आप आइए न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। और हमने जो उन्होंने कमेटी बनाई हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका, लेकिन अभी तक तो ब्रजभूषण की तरफ से लेटर निकल रहे थे कि भाई वो नेशनल करवाए। हम तो उनका स्वागत करते हैं, सारे टूर्नामेंट करवाइए, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप है, ट्रायल है, सभी करवाइए, सभी खिलाड़ी। हम इसलिए खिलाड़ियों को यहाँ नहीं ले जा रहे कि उनके तैयारियों पे कोई असर ना पड़े। बिल्कुल, मैं आपको और क्लियरली बता देती हूँ। जी मैडम, इसलिए डर रहे हैं क्या? इतने सालों तक जो आवाज दबा रखी थी लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है या खिलाड़ियों के साथ में, तो उनको इस चीज से घबराहट हो रही होगी शायद कि आज ये आवाज कैसे उठ गई, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आज ये आवाज उठी है, उनको समर्थन करना चाहिए, खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे बोल के कि देश की छवि खराब हो रही है, कभी बोल रहे खिलाड़ियों की छवि खराब हो रही है। ये छवि जो दबा रखी थी वो हम ओपनली बोल रहे हैं, उनको हम पे प्राउड होना चाहिए कि खिलाड़ी आए हैं तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, ना कि हमें ऐसा महसूस करवाए कि हम गलत हैं। बिल्कुल, खेल में बहुत सालों तक होता आया है, बहुत सालों बाद ये हिम्मत बनी है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, और ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स में लड़कियां आई हैं, अपनी बातें बता रही है हमें कि हमारे खेल में ऐसे है, हमारे में ऐसे है, और खेल से अलावा भी जो भी महिलाएं हैं अदर संगठन में है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो सब आ रहे हैं, सब दुखी हैं। 99% महिलाओं के साथ में शोषण होता आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है, या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है, या उनको ही टॉर्चर किया गया है, ये हर उस महिला की लड़ाई है। और हम चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में न्याय हुआ है वो आज इस मंच पे आके अपनी आवाज उठा सकती हैं, पूरा देश उनको सुनेगा, पूरा देश उनको सुन भी रहा है। मैडम देखिए, वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको लगता है वो जांच होने देंगे? 6 दिन तक FIR भी नहीं होने दी उन्होंने, अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पुलिस अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है, उनका पद लिया जाए, उनको जेल में डाल के इंटरोगेशन किया जाए, उनको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहे हैं, अंदर ले जाके उनको पूछताछ तो कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल सी पूछताछ है, वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? तो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी से सब डरते हैं, पुलिस वाले भी डरेंगे, हर कोई डरेगा, वो एक हम जैसे नॉर्मल इंसान हो जाएंगे, उसके बाद में वो हमारे साथ पूछताछ करें या ब्रजभूषण के साथ में पूछताछ करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनको तो देना चाहिए ना इस चीज में। उन्होंने कहा है कि मेरा जो है वो इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, और मैं सही, अगर वो साबित हो जाते हैं आगे तो आप लोग क्या करेंगे अगर वो अपने आप को सही साबित कर देते? वो कितने सही है, वो तो उनके ऊपर जो केस लगे हैं उनसे पता ही लग रहा है। हम खिलाड़ियों पे कोई एक भी केस है क्या जो हम उनकी इमेज खराब कर, जिसकी इमेज पहले से ही खराब है उसको क्या खराब किया जाएगा? उसको तो पहले ही सजा होनी चाहिए। वो ऐसा बोल के हम खिलाड़ियों की इमेज को खराब करें, हम खिलाड़ियों को झूठा दिखाने के प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जो कि वो गलत कर रहे हैं, और उनको ऐसा हक भी नहीं दिया जाना चाहिए। भारत को गौरव दिलाने का काम किया और आज एक ऐसी स्थिति
फिर से बताना मैडम। भारत में गौरव दिलाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित की और आज जंतर मंतर पर कड़कड़ाती धूप में बैठी हुई है आप लोग, क्या किसको जिम्मेदार मानती है? देश का दुर्भाग्य है ये, हम सब भी ने इतना डिले किया है, शायद हमारी भी इसमें गलती रही है कि हमने इतने साल तक इस चीज को, इस शोषण को हमने बर्दाश्त किया। आज हम बोलने हैं तो आज सबको साथ आने की जरूरत है, पूरा देश साथ में खड़ा है। जो भी लोग डरे हुए हैं, अब भी घरों से नहीं निकले हैं, तो हम उन सबसे अपील करना चाहते कि आप घरों से निकलिए, ये बहुत हाई टाइम आ गया है कि देश में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे की प्रगति कैसे होगी? महिलाएं ही तो जन्म देती हैं इंसान का, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो देश, हमारा देश कहाँ प्रगति करेगा, कहीं प्रगति नहीं कर सकता। बिल्कुल मैम, देखिए ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, लड़कियों के साथ में गलत हुआ है, कोई छोटी, ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया उसके लिए हम बैठे हैं या कोई, हमारे देश ने संविधान बनाया है, संविधान में ये कानून पास हुआ था कि किसी भी लड़की के साथ में गलत हुआ था और उनके ऊपर तो पोस्को का एक्ट लगा है, उसको का एक्ट लगा है तो उन इंटरोगेशन, तो उनको कस्टडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है क्योंकि उनका पोजीशन और पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंसाफ की लड़ाई है, जब तक नहीं जीतेंगे, और ये सिर्फ मैं बताया ना, रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है ये, हर उस महिला वो जो हमसे कनेक्ट कर पा रही है, अपने दुख को, दर्द को हमारे दर्द से जोड़ के देख रही है कि काश इन लड़कियों को न्याय मिले तो हमें भी ऐसे लगेगा कि हमें न्याय मिला है, वो हर उस भावना की लड़ाई है। मैडम जो बोल रहे हैं उनको ले आइए, न्याय दिला दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। अगर उनकी बहन बेटी होती तो वो उनकी राजनीति मुद्दा है, उनका काम यही है कि भाई वो इस रास्ते को कैसे भटका सकते हैं, इस जो प्रोटेस्ट है इसको हम कैसे दूसरा रूप दे सकते हैं। वो कभी देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी किसानों के, जैसे किसानों को बदनाम किया गया था उसी तरह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश, जो देशद्रोही है तो इस देश में देशभक्त कौन है? जो उनके साथ जय बोल दे वो देशभक्त हो जाता है। राजनीति पार्टियों को क्या लगता है कि लड़कियां आवाज उठाएंगी तो मतलब उनको सहन नहीं होता है क्या? ये लड़कियों ने आवाज उठाई है, उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान करने की बजाय वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे संविधान को ही वो गालियां दे रहे हैं। संविधान में ये कानून पारित हुआ था, हम ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे संविधान में कानून है, हम कानून के तहत बात कर रहे हैं। वो कानून को अगर खत्म करने की, दबाने की कोशिश की जा रही है तो देश तो सड़कों पर निकलेगा ही। मैडम आरोप कौन लगा रहा है? मैडम जो आरोप लगा रहे हैं पहले उनकी छवि देख लीजिए, उसके बाद में हमारी छवि देख लीजिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। धन्यवाद। मैं पकड़ा के नट्टे पर छुआ जाओ बीच में जाओ।